Welcome to Science Pedagogics, Science made easier. Our today's general topic is how does oxalic acid removes rust from a surface. So let us firstly know what is rust. तो rust को हम हिंदी में जंग बोलते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी iron object पे जब पानी, धूप, बरसात काफी समय तक पड़ता है, तो उसपे जंग लग जाता है। तो आयरन को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में Fe से डिनोट करते हैं एंड आयरन पे जब भी कभी पानी बरसता है या फिर पानी के साथ रिएक्शन होता है पानी को हम केमिस्ट्री में एच टू ओ बोलते हैं तो उस आयरन पे जंग लग जाता है यहाँ पे आयरन नेल का डाइग्राम बनाया है और जंग को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं रस्ट या फिर आयरन ऑक्साइड एफ टू ओ थ्री नाउ अब सोचने वाली बात ये है कि एक्चुअली ये रस्ट या जंग जो है वो क्या होता है केमिकल नेचर क्या होती है इसकी तो रस्ट होता है वाटर इन्सॉल्यूबल हमें पता है हम किसी भी लोहे की चीज़ को जिसपे रस्ट लगा होता है अगर हम पानी से धोते हैं तो वो साफ़ नहीं होती बिकॉज रस्ट इज़ वाटर इन्सोल्यूबल अब ऑक्साइलिक एसिड कैसे एक्ट करती है उस पर ऑक्जॉलिक एसिड जब भी हम किसी जंग लगी हुई चीज़ पे डालते हैं तो वो रस्ट के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके उसे वाटर सोल्यूबल बना देती है ताकि वो जंग का जो दाग है वो आसानी से पानी के साथ ही उतर जाए सो ऑक्जॉलिक एसिड कन्वर्ट्स वाटर इन्सॉलीबल टू वाटर सोल्यूबल कैसे तो ऑग्जालिक एसिड जो है रस्ट के साथ कंबाइन करती है रस्ट हमने देखा क्या होगा एफ टू ओ थ्री आयरन ऑक्साइड इस रस्ट के साथ कंबाइन करने के बाद ऑक्जालिक एसिड एक सॉल्ट बनाती है जिसे कहते हैं फेरस ऑक्जाइलेट और ये फेरस ऑक्जाइलेट जो है ये जो है वाटर सॉल्यूबल होता है मतलब फेरस ऑक्जाइलेट को हम पानी से धोएंगे तो वो उतर जाएगा सो दिस इज़